संख्या 556 के पार हो गई है। इसी बीच निगम ने दावा भी किया है कि पानी के 17 सैंपल में से 13 सैंपल पास हो गए हैं। अब पानी पीने योग्य हो गया है। पहले जो सैंपल भेजा गया था उसमें ई कोली कीड़े मिले थे, जिसकी वजह से पीलिया हुआ था। निगम उपायुक्त पुलक भट्टाचार्य से बातचीत की हमारे संवाददाता सत्या राजपूत ने। हमारे साथ उपायुक्त पुलक भट्टाचार्य जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि लैब ने पास कर दिया है, इसके पीछे कितना मेहनत रहा है, क्या क्या किया आप लोगों ने? देखिए, जो हमको जो सैंपल मिले थे नगर मेडिकल कॉलेज से, जो सैंपल्स आए थे वाटर सैंपल, वो कुल 17 सैंपल हमको मिले थे। उस सभी 17 सैंपलों को का परीक्षण कराया गया। उसमें से चार ऐसे सैंपल थे जो पूर्णतः, चूंकि वहां पर की पाइपलाइन खराब थी तो उनको विच्छेदित कर दिया गया और उस लाइन को पूरी तरह से बदला जा रहा है। बाकी जो 13 सैंपल थे, उन 13 सैंपलों की जांच कराई गई। जांच में पीएचई लैब से हम पहले वहां पर क्लोरिनेशन करके और पाइपलाइनों को सुधार करके उसकी जांच हम पहले अपने पीएचई के लैब से कराते हैं। पीएचई के लैब से वो सभी 13 सैंपल जो है सही पाए गए हैं। इसके बाद फिर उन सैंपलों को जब वो पीएचई से पास हो गए तो उनको वापस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में टेस्ट के लिए भेजा गया, जिसमें से हमारे जो ओवरहेड टैंक्स के जितने सैंपल्स थे वो सभी सैंपल्स जो है वहां से ओके हो गए। तो अभी आपने सुना उपायुक्त पुलक भट्टाचार्य को, जिनका साफ कहना है कि यहाँ पे मेहनत किया गया, मेहनत रंग लाई है और पानी पीने लायक है। सोलाराम कैमरामैन के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। कोटा से छत्तीसगढ़ के 2200